छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेत्री रंजीत रंजन के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के बयान पर भाजपा विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने उन्हें 2018 में कांग्रेस के घोषणा पत्र के वायदे की याद दिलाई। भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता रंजना साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की रंजीत रंजन को चुनौती देती हूँ कि वे बताएं कि ग्रामीण इलाकों में 4 सिलेंडर मुफ्त देने को जो वायदा किया गया था वह कितने लोगों को दिया गया। महिलाओं को 500 रुपए हर महीने देने की बात घोषणा पत्र में की गई थी, वह कितने लोगों को मिले। महिलाओं का कर्ज माफ क्यों नहीं किया गया। रंजना साहू ने कहा कि झूठ बोलकर जनता को भ्रमित करना कांग्रेस के व्यवहार में आ गया है। कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, झूठ पर झूठ बोलना ये उनके व्यवहार में शामिल हो गया और इस प्रदेश की भोली भाली बहनों के साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी आती है और यहाँ की महिलाओं से वादा करती है कि 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा। मैं रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ, इससे पहले भी आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की बहनों के साथ बहुत से वादे किए, उनके कर्जा माफ करने की बात कही, क्या कर्जा उनका माफ हुआ? हमारी बहनों से के साथ वादे किए आपने, अपना घोषणा पत्र में स्पष्ट किया कि महतारी सम्मान योजना के तहत हमारी सभी बहनों को 500 रुपए दिया जाएगा, आपने दिया क्या? हमारी बहनों से फिर से आपने वादे किए कि ग्रामीण परिवेश में मुफ्त में 4 सिलेंडर प्रतिवर्ष दिया जाएगा, आपने दिया क्या? मैं छत्तीसगढ़ की बेटी रंजना साहू बिहार की उस बेटी रंजीत रंजन जी से पूछना चाहती हूँ कि किन किन बहनों को आपने मुफ्त में सिलेंडर दिया, उसे स्पष्ट करिए।